नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक है कि अगर आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे कंट्रोल के बाहर है। यानी क्या होता है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि एक महीने में बहुत ज्यादा खर्च हो गया, अभी हम फिजूल की खर्ची बंद कर देंगे, उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है या हमें ऐसा लगता है कि पैसा हाथ में बच ही नहीं रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके कुछ ईएमआईज वगैरह ऐसा कुछ फिक्स एक्सपेंसेस है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ उपाय नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो तो पे करना ही है। लेकिन जो एक्स्ट्रा के एक्सपेंसेस यानी फिजूल खर्चे हम जिसको कह सकते हैं, तो वो हम कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना ये है कि आप आपके पैसे कहाँ पर रखते हैं। जो सेविंग का जोन है ये हम सभी जानते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये जो है ये सेविंग का जोन है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट जो है यहाँ पर आप एक गुल्लक यानी पिग्गी बैंक आपको रखना है, वो भी येलो कलर की। इसमें कुछ पैसे आपको रखना है, ठीक है। इसमें हमेशा आप कुछ पैसे डालते रहिए, इसमें से पैसे मत निकालिए। दूसरी चीज, आपकी जो अलमारी है या पैसे रखने की जगह है, ये कभी भी आपके घर में घर के साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट इस जोन में नहीं आना चाहिए, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं चलेगा। ये दो जोन में आपको पैसे नहीं रखना है। तीसरी जगह क्या है कि अग्नेय कोण, अग्नेय कोण में आपकी अलमारी नहीं चाहिए। मैंने बहुत जगह पे क्या देखा है कि जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि वो अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनका अलमारी सही पोजीशन पे था, साउथ साउथ वेस्ट में भी कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि घर में क्या होता था, डेली रूटीन के लिए अगर वो कुछ पैसे किचन में रखते हैं और वो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पैसे रख रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसा अलग अलग जगह पर पैसे रखना थोड़ा अवॉइड करना है। आप एक ही जगह पर प्रॉपरली पैसे रखिए, उसका हिसाब रखिए, वो जो आपकी डायरी रहेगी जो कुछ रहेगा वो भी आप आपके साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट के कबर्ड में ये सब चीजें आप रख सकते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके घर में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जो बैंक फाइनेंशियल रिलेटेड जोन है, इस जोन में कुछ दोष तो नहीं है। क्योंकि इस जोन में अगर कुछ दोष होता है, कुछ दोष यानी क्या कि ये जो है ये स्पेस एलिमेंट के अंडर आता है, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये कट है या एक्सटेंडेड है, इनमें से कोई दोष है क्या। यहां पर जो ग्राउंड लेवल है वो कैसा है, ऊंचा है नीचा है क्या है, वो देखना है। यहां पर जो कलर्स है वो व्हाइट कलर यहाँ पर अच्छा रहेगा। अगर ये डायरेक्शन आपका समझो कट है, तो इसको बढ़ाने के लिए इसका पेरेंट एलिमेंट आपको यूज करना है, यानी इसके पहले जो डायरेक्शन है येलो कलर साउथ वेस्ट, वो कलर आप वहां पे यूज कर सकते हो। अगर ये एक्सटेंडेड है नॉर्थ वेस्ट, तो भी आपको प्रॉब्लम करेगा आपके लोन्स ज्यादा होने के लिए। उस केस में आप अगर एक्सटेंशन है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ब्लू कलर, जो कि इसका अगले एलिमेंट का कलर होता है, वो इसको कम करने में मदद करता है, तो यहाँ पर ब्लू कलर यूज कर सकते हो। लेकिन ये यूज करने से पहले सबसे पहले आपको पूरे जोन प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ही आप यहाँ पर ये रेमेडीज कर सकते हैं। आपने विदाउट प्रॉपर जोन का जितना उसका लोकेशन है वो देखे बिना अगर रफली रेमेडीज कर रहे हो, तो आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको जो वास्तु जोन है 16 जोन्स, वो प्रॉपरली ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर आपका प्लान लेकर, और उसमें फिर आपको नॉर्थ वेस्ट के ये रेमेडीज करना है अगर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो जो डेली एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको देखना है कहीं आप किचन में तो पैसे नहीं रख रहे हैं, या फिर जो पैसे रखने की जगह है वो कहीं साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है, या साउथ ईस्ट में नहीं है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं पैसे नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो हम खर्चे कर देंगे,
बाद में पैसे भर देंगे, लेकिन ऐसा करते करते बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड वाले एक्सपेंसेस कम करने के लिए जो है, आप आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखिए, अगर इसमें कुछ दोष रहेगा तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक उपाय है आपके खर्चे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, ये आप जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।